सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड विशाल भरद्वाज। सो आज का हमारा टॉपिक हाउ यू टेक केयर ऑफ योर हेयर। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, तो वीडियो के लास्ट तक देखना और वीडियो में काफ़ी अच्छी टिप्स आपको मिलने वाली हैं दोस्त। हमारे काफ़ी दोस्त हैं, भाई लोग हैं, वो अपने हेयर्स को ग्रो करना चाहते हैं, अपने बालों को बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, आखिर ये आप करना क्यों चाहते हैं, व्हाई? क्या आपने अपने फ्रेंड को देखा, क्या आपने किसी सेलिब्रिटी को देखा, या मुझे देख के बाल बड़ा करके अपने बड़े बालों की हेयर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं? ये ज़रूरी नहीं जो दूसरे पे हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है वो आप पे भी अच्छा लगे। सो पॉइंट नंबर वन, हेयर टाइप। किसी का थिंकी होता है, किसी का सिल्की होता है, किसी का कर्ली होता है, किसी का बेबी होता है, किसी का थिक होता है और थिन होता है। सो मेरा ये मानना है कि लॉन्ग और मिड हेयर स्टाइल सिर्फ उन लोगों पे अच्छे लगते हैं जिनका हेयर टाइप सिल्की, थिन और सॉफ्ट शाइनी होता है। ये उन लोगों पे सिर्फ अच्छा लगता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मगर आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको जज नहीं करूँगा। आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली बढ़ाइए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप और इसको और अच्छे तरीके से कैसे बढ़ा सकते हैं और इसकी केयर कैसे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, शैम्पू। आपको शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ही स्पीड में काफ़ी जल्दी अपने बाल को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको शैम्पू बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि शैम्पू में क्लिनिजिंग पावर बहुत होती है, जिससे हमारे बालों का नेचुरल ऑयल डैंड्रफ के साथ साथ सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारे बालों का नेचुरल ऑयल जिससे हमारे बालों की एग्जैक्टली ग्रोथ होती है वो बिल्कुल रुक जाती है, बिल्कुल स्लोली स्लोली ग्रोथ होती है, और इससे हेयर फॉल के चांसेस भी इम्प्रूव करते हैं। सो शैम्पू नहीं करना है। नेक्स्ट, कंडीशनर। आप शैम्पू की जगह कंडीशनर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशनर हेल्प टू नरिश हेयर एंड द पॉलिटेंट्स आउट। मैंने ये ज़्यादा तौर पे इस्तेमाल करके देखा है कि कंडीशनर से हमारे बालों में शाइन होती है और हमारे बाल उस तरह हार्मफुल नहीं होते जिस तरह शैम्पू से हार्मफुल होते हैं। उसका ऑयल, नेचुरल ऑयल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, कंडीशनर में ऐसा नहीं है। हम लोग कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, सप्लीमेंट। कि सप्लीमेंट क्या है, यही सोच रहे हो ना? सप्लीमेंट इन द सेंस कोकोनट ऑयल या कोई एक अच्छा सा सीरम आपको हफ्ते में 3 दफ़ा अपने बालों पे यूज़ करना है, जिससे हमारे बाल नरिश और उनको प्रॉपर ग्रोथ के लिए उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे फिश, एग, स्पिनच, शुगर पोटैटो एसेक्ट्रा, इन्हें अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। अब ठीक बॉडी बिल्डिंग की तरह हेयर्स में भी आपकी 80% डाइट और 20% हेयर और स्किन केयर रूटीन पे आपकी हेयर की ग्रोथ डिपेंड होती है। अब नेक्स्ट, डोंट कट योर हेयर। अब इसमें आप कहेंगे, विशाल भाई इतनी समझ तो है ही, हमें अपने बाल क्यों काटेंगे अगर हमें बाल बढ़ाने हैं। सो मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, डोंट कट योर हेयर्स, लाइक आपको बार्बर के पास महीने में एक बार जाना है, अपने हेयर लेंथ की लेंथ को हल्का सा ट्रिम अप कराना है, जिससे आपकी जो रूट्स हैं वो स्प्लिटेड्स ना हो, काफ़ी बढ़ के इधर उधर फैले ना और डैमेज ना, हमेशा एक प्रॉपर शेप और टेक्सचर में रहें। अब बालों को सच में आप ग्रो करना चाहते हो ना, इसमें आपको पेशेंस की बहुत ही ज़रूरत है। अब इसी में 90% लड़के खुद को मुकम्मल नहीं लग पाते और अपने बालों को काट बैठते हैं। सो पेशेंस इज़ वेरी नेसेसरी टू ग्रो योर हेयर एट टिल लास्ट लॉन्ग। अब इसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जैसे आपका कोई भी हेयर स्टाइल नहीं बनेगा, आपको बहुत इचिंग होगी, आपको बहुत ऑकवर्ड सा फील होगा, क्योंकि इस स्टेज को बहुत ऑकवर्ड स्टेज बोलते हैं, लाइक दिस आर द स्टेज ऑफ ऑकवर्ड स्टेज। आपने अभी इतना सफ़र किया, थोड़ा सा पेशेंस और मेरे दोस्त, फिर आप अपने काफ़ी अच्छे बालों के मालिक होंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा हेयर स्टाइल भी ऑकवर्ड स्टेज पे आके अटक गया है, लाइक मैंने भी इसको संभालने के लिए काफ़ी मशक्क़त की हुई है और मैंने अपने बालों को हेयर बैंड और पीछे पोनी टॉप करके रखा हुआ है। मैं टर्न होकर आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं जैसे पीछे पोनी टॉप और आगे हेयर बैंड, जिससे मेरा हेयर स्टाइल संभला और अच्छा लग रहा है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आपके बाल का कहीं भी हो कैसे भी हो बहुत अच्छे से संभल सकते हैं। सो ऐसे ही केयर टिप्स के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ इट्स लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेनेटिक्स। अब हमारे ह्यूमन बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जेनेटिक्स पे डिपेंड करती हैं, लाइक किसी की जेनेटिक्स में फास्ट ग्रो होती है, रैपिड ग्रो होती है, और किसी की एवरेज, और कभी किसी की तो बिल्कुल नहीं। सो इट्स डिपेंड अपॉन जेनेटिक्स। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप काफ़ी मेहनत करें, मशक्कत करें, उसके बाद भी आपके बाल ग्रो ना हो और आपको बेटर रिजल्ट ना मिले, जिससे आपका दिल टूट जाए, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। सो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, टू बी पॉजिटिव
and always think positive. So think positive to be positive. So if you like this video, please hit the like and subscribe to my YouTube channel. So आप मुझसे हर दिन बात करने के लिए मेरे Instagram, मेरे social media पे आप मुझे follow कर सकते हैं. मेरा social media account bharadwaj_vishal. So मुझे उम्मीद है आपको ये video काफ़ी अच्छी लगी होगी. आप इस video को share, comment and लाइक करना ना भूलें. सो आपको पता ही है मैं हर संडे नई वीडियो के साथ आता हूँ. सो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर.